हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2022 टोयोटा ग्लैंजा। जी हाँ दोस्तों, जो कि टोयोटा की प्रीमियम हैचबैक कार है और मारुति सुजुकी बलेनो का रिवेज वर्जन है दोस्तों। और ये है जी वेरिएंट, जो कि वेस वेरिएंट है और इसकी प्राइसिंग जाती है 7.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 8.40 लाख। जहां तक इसकी डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल से देखने में बिल्कुल हूबहू बलेनो ही लगती है दोस्तों। और इसके फ्रंट प्रोफाइल में ग्रिल की बात करें तो हैवी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और बीच में टोयोटा का लोगो दिया गया है। काफी शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल। हेडलाइट यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है LED डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और शोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। जस्ट उसके नीचे आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है एलोजन बल्ब के साथ फॉग लैम्प यूनिट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त इसका फ्रंट प्रोफाइल। नंबर प्लेट की जगह एडम आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। बॉडी कलर बम्पर आपको दिया गया है और ये सारे एलिमेंट्स इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी एनहांस कर देते हैं लुक वाइज। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाला है। और ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ दिया गया है 3995 mm, विड्थ 1745 mm, हाइट 1510 mm, व्हील बेस 2520 mm, ग्राउंड 170 mm, बूट स्पेस 339 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 37 लीटर। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट एंड रियर में टोर्जन बीम अवेलेबल कराया गया है। टर्निंग रेडियस है 4.9 मीटर और इसके साइड प्रोफाइल में बहुत ही शानदार 16 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है और व्हील साइज है 195/55R16। ORVM दिया गया है बॉडी कलर में, जो कि LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है, विच इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। इसके अलावा इसके ए पिलर बी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। फ्रंट में आपको दिया गया है 2 वाइपर और वॉशर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल की बात करें तो क्रोम फिनिश में दिया गया है इसके साइड प्रोफाइल में। और इसके अलावा विंडो के बॉटम में क्रोम फिनिश दिया गया है, जो कि इसके साइड प्रोफाइल को काफ़ी हद तक एनहांस कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, सो चेकआउट कीजिएगा। और इसके रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको मिलता है एंटीना और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर और वाइपर भी प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा टेलगेट के बीचों बीच दिया गया है लाइनिंग, क्रोम लाइनिंग और बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प यूनिट सी शेप्ड दिया गया है। ग्लैंजा की बैजिंग लेफ्ट साइड, बीच में टोयोटा का लोगो और राइट साइड वेरिएंट यानी जी की बैजिंग आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहां पे अवेलेबल नहीं कराया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और रियर बम्पर बॉडी कलर में प्रोवाइड किया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिया गया है नंबर प्लेट की जगह, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिया गया है। काफ़ी शानदार इसका बहुत ही स्पोर्टी रियर बम्पर दिया गया है, जो कि इसके रियर प्रोफाइल को काफ़ी हद तक एनहांस कर देते हैं। चलिए आप बात करते हैं इंटीरियर की, तो लेफ्ट साइड से चेकआउट करा देता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है लेफ्ट साइड भी। ओपन कर देते हैं इसके फ्रंट डोर लेफ्ट साइड से और चेकआउट कीजिएगा। इसका डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी प्रीमियम, ऑल ब्लैक थीम आपको देखने को मिलता है। जगह जगह पे सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि इंटीरियर को काफ़ी एनहांस कर देते हैं लुक वाइज। चलिए अब राइट साइड से भी चेकआउट करा देता हूँ और राइट साइड में भी आपको दिया गया है कीलेस एंट्री। ओपन कर लेते हैं इस फ्रंट डोर और यहाँ पे भी ऑल ब्लैक थीम, ग्रैब हैंडल पे सिल्वर इंसर्ट्स, पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, डोर लॉक पे क्रोम इंसर्ट्स, 2 ट्विटर और 4 स्पीकर इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं, 1 लीटर का बोटो होल्डर आपको प्रोवाइड किया गया है। और एक बार चेकआउट कीजिएगा इसका डैशबोर्ड लेआउट राइट साइड से, ऑल ब्लैक थीम, जगह जगह पे सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। और इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। मैनुअली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है इस वेरिएंट में भी। और इसके अलावा आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है।
अंदर बैठने से पहले आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड दिया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर कुछ इस तरह का यहाँ पे, डेड पैडल दिया गया है लॉन्ग जर्नीज में, जिससे लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। और चलिए अब सेंटर कंसोल की बात करते हैं, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है और क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पियानो ब्लैक फिनिश में। जस्ट उसके आगे आपको 2 कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी और ऑक्स पोर्ट प्रोवाइड किया गया है, और इसके साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले के साथ, और इसके साथ ही आपको सेंटर कंसोल में दिया गया है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग दिया गया है। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है, और ये डोर ओपन है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, बीच में टोयोटा का लोगो, जगह जगह क्रोम इंसर्ट्स दिए गए, काफी अनाउंस कर देते हैं इसके लुक को। कुछ इस तरह आप टेलीस्कोप कर सकते हैं, यानी रीच और टिल्ट दोनों ही हो जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। आईआरबीएम डे नाइट प्रोवाइड किया गया है, और इसके साथ ही ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलते हैं। सेंटर में आपको दिया गया है कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के साथ। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह का। और इसके अलावा ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो जस्ट सफिशिएंट जगह आपको मिल जाती है, जो कि कूल ग्लव बॉक्स नहीं है। और इसके अलावा डैशबोर्ड लेआउट आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को, और फ्रंट डोर की तरह ही ऑल ब्लैक थीम आपको देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल पे सिल्वर इंसर्ट्स दिया गया है, फैब्रिक इंसर्ट्स दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल, 1 लीटर का बोटो होल्डर, स्पीकर आपको दिया गया है, और क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं आपको डोर लॉक पे। जी हाँ दोस्त, चलिए अब बात करते हैं रियर सीट्स और कंफर्ट की। तो काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको यहाँ पे मिलने वाली है, फैब्रिक अपोस्ट्री प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही आपको यहाँ पे रियर सीट पे भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेग रूम और हेड रूम की। लेग रूम आप देख पा रहे हो बहुत ही जबरदस्त जगह मिल जाती है लेग रूम में, और हेड रूम में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है दोस्तों। रियर एसी वेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, और रियर में कुछ इस तरह का आपको 12 वोल्ट का चार्जर प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो जी वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार प्रीमियम। और रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहां पे कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है हैलोजन बल्ब के साथ। चारों ओर आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, और यहाँ पे आपको मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 339 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है टोयोटा ग्लैंजा में। साथ ही पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, और इसके जो रियर सीट है 60-40 स्प्लिट हो जाते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आप इसके बूट स्पेस को ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगेज आ पाए। और इसके साथ ही स्पेयर व्हील की बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है 1 इंच कम स्टील व्हील। टेल गेट के इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है, जिसे ग्रैब करके आप टेल गेट को क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 82 BSP की पावर 6000 RPM पे एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पे। ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 21.01 KMPL की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रीटेंशन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, डे नाइट आईआरबीएम,
इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों टोयोटा ग्लेंजा जी वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज़, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।